दोस्तों अब आपके सामने लगने वाला है शानदार तड़का। दाल तड़का बना रहे भाई? येलो दाल तड़का बना रहे हैं भाजी। इस वक्त हमें पटियाला में पटियाला की आन बान और शान आज्ञा सिंह का ढाबा, यहाँ पे हैं हम इस वक्त। पटियाला में जो लोग रहते हैं, पटियाला के आसपास रहते हैं, उन्हें बखूबी पता होगा यहाँ के बारे में। आज्ञा सिंह का ढाबा सिंस 1952, बड़ा फेमस ढाबा है ये। अनारदाना चौक है भैया, अनारदाना चौक है ये। अनारदाना चौक पे हैं इस वक्त हम। जितेंद्र नागर, हेलो, कैसे मेरे भाई? ओहो हो, पीली दाल तड़का तैयार हो रही है हमारी। पटियाला का फूड टूर हो रहा है दोस्तों आज। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग पटियाला जा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह पटियाला, और इस वक्त आप लाइव हैं हमारे फेसबुक चैनल पर। जितेंद्र नागर मेरे भाई, हेलो, कैसे हैं आप? पीली दाल तड़का तैयार हो रही है। ये आया धनिया, ये पैकिंग के लिए जा रहा है एक्चुअली सामान। आइए अब आपको दिखाते हैं, पूरा बाहर से मुआयना कराइए जरा ढाबे का। आज्ञा सिंह का ढाबा, अनारदाना चौक, पटियाला। एक हो तो क्या बताऊं, सारी कुछ चीजें इनकी फेमस है। आ जाइए। मनिंदर जी जो है सेकंड जनरेशन है, आज्ञा सिंह जी ने इस ढाबे की शुरुआत की थी। आ जाओ, नान तैयार हो रहे हैं, आ जाइए। दिखाइए पहले तैयार क्या हो रहा है। ये बटर लग रहा है नान पे। अब इसकी कटिंग होगी है ना, पैकिंग के लिए जाएगा, कटिंग नहीं होगी इसकी, पैक कर रहे हैं पैकिंग के लिए। ओहो, वहां तवा रोटी तैयार हो रही है, दिखा दीजिए जरा, हमको भी भूख लग रही है। आइए गोपाल जी, बिल्कुल आइए। रितेश मारवा जी, मन्नत है, प्लीज मेरा नाम बोलिए। मन्नत कैसे हैं आप? हाउ यू? तवा रोटी चल रही है भैया। ये तंदूर लगा हुआ है इनका। आज्ञा सिंह का ढाबा पटियाला, वाह, गर्मा गर्म। क्या कह रहे भैया? खिचड़ी चैनल। हाँ, खिचड़ी चैनल देखा है? देखा है, सारा दिन यही करते रहते हैं। सारा दिन यही करते हो? थैंक यू भैया, अच्छी बात है। मनिंदर जी बिजी हैं अभी। सर कैसे हैं? मनिंदर जी कैसे हैं आप? हाउ यू? बहुत बढ़िया। ओके, यू आर द सेकंड जनरेशन, पापा ने स्टार्ट किया था काम? हाँ जी, आज्ञा सिंह जी ने। आज्ञा सिंह, इन पीछे का ये तो थोड़ा फैट सिंस 1952 आज्ञा सिंह जी ने स्टार्ट किया था। यही पर ही है आपका शुरू से ही काम जो है? हाँ, यही पे। और अभी एक ही ब्रांच है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं? आपका हॉट सेलिंग सबसे ज्यादा दाल फ्राई, दाल मखनी, दाल तड़का बहुत ज्यादा बिकती है। येलो दाल देसी घी तड़का, दाल मखनी बहुत फेमस है हमारी। अच्छा, ऋतिक रोशन ने भी ऐड किया था। अच्छा, जोमेटो पे ऋतिक रोशन ने आए कभी खाने यहाँ पे? वो तो जोमेटो कंपनी ने कराई थी यूट्यूब पे। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए, जब पापा ने स्टार्ट किया था काम, तब अंकल जी क्या शुरुआत करी थी उस वक्त? ढाबे में क्या क्या मिलता था उस वक्त? अच्छा, उस वक्त क्या क्या मिलता था? ये 1952 का है। अच्छा। मेरा बर्थ तो बाद का है। अच्छा, बाद का है। लेकिन तब क्या होता था यहाँ पर? बस एक दाल, एक सब्जी। अच्छा। और चाय का काम था, ज्यादा चाय के काम के लिए रोटी बनानी पड़ती थी। अच्छा। उस उनके रोटी से अब रोटी का काम ज्यादा है। लेकिन ऐसे कस्टमर भी होंगे जो पिताजी के टाइम से अभी तक आ ही रहे हैं। हाँ, वो तो फिर काफी देर, बहुत पुराने हैं। आप कब से आ रहे हैं सर? कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? 25 साल हो गए। क्या पैक कराने आए हैं? चिल्ली जी, चपाती, दाल फेमस है इनकी, सारा कुछ ही सब बढ़िया है इनका। आप कब से आ रहे हैं चाचा? बहुत टाइम से आ रहे हैं, हर चीज मस्त मिलती है। क्या बात है। कितने साल से आ रहे हैं? तकरीबन हो गया जी, हम 2017 से आ रहा हूँ। 2017 से आ रहे हैं, मतलब काफी साल हो गए। बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी कस्टमर जो हैं पुराने भी हैं, नए भी हैं। सिमर से बात करें? अच्छा, चलिए, यहाँ पे सिटिंग है। पंजाब का कल्चर, पंजाबी कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। सीनरीज है यहाँ पर। रितेश मारवा, लव यू अंकल, लव यू बेटा,
पनीर मखनी बना दो भी। अच्छा, पनीर मखनी बनाएंगे, भाजी हमारे खा रहे हैं। अच्छा, पटियाला का यहाँ पर पूरा जो है वो कल्चर दिखाया हुआ है पेंटिंग्स के माध्यम से। चलिए, मेन्यू में क्या क्या है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। दाल स्पेशल, दाल दाल मखनी, येलो दाल बटर, देसी घी दाल तड़का, कड़ी पकौड़ा, राजमा, आलू मटर, सीजनल वेजिटेबल, मिक्स वेज, सरसों दा साग। ओके, थाली कॉम्बो भी है, थाली है 85 की, डिलक्स थाली 180 की, एक स्टफ नान बटर एंड चना, राइस है, दही है, रोटी नान है, जो बेसिक जो होता है ढाबे पर वो सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ सजाया भी गया है। पैकिंग अभी ज्यादा है क्योंकि दोपहर का वक्त है, शाम को कहा जाता है कि यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ बन रहा है लच्छा, अच्छा तंदूरी रोटी तैयार हो रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया तंदूरी रोटी तैयार हो रही है यहाँ पर। उम्दा, डिटेल वीडियो हम आपको अभी शूट करेंगे, तब उसको एडिट करके हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लाइव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज्ञा सिंह के ढाबे, पटियाला के बारे में जानकारी रखते हैं, यहाँ के खाने पीने के बारे में आपको कुछ आइडिया है तो हमें जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के दिन और कल दोपहर तक हम लोग यहीं रहने वाले हैं। अंकल जी से पूछते हैं कुछ एक्सपीरियंस अंकल जी का। अंकल जी, क्या लेने आए हैं यहाँ पे, क्या खाने आए हैं, कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे इस ढाबे पे, कितने साल से आ रहे हैं क्या इस ढाबे पे, कितने टाइम से आ रहे हैं आप, कितने कितने साल हो गए? अपना 40 साल हो गए, पहले इनका फादर होता था, उनके उनसे भी खरीदते थे आप, है उनसे, नाम ही उनका है, फोटो उनकी है, उनका नाम है आज्ञा सिंह का ढाबा, मशहूर है। सस्ती रोटी है, बढ़िया रोटी है, जैसे 30 रुपए की दाल सब्जी मिल जाती है, अभी भी अच्छा। दाल 30 की है, सब्जी 30 की है, मतलब अगर पनीर वाली लेंगे, पालक पनीर लेंगे 40 का है, बाकी रोटी है 6 रुपए की चपाती है, मतलब एक इंसान 50 रुपए में रोटी खा सकता है, 50 बढ़िया रोटी, क्वालिटी भी अच्छी है, ज्यादा बढ़िया रोटी खानी है तो पनीर खाना है तो 60-65-70 रुपए लग जाएंगे। अच्छा, आपने शुरुआत की थी खाने की यहाँ पर 40-50 साल पहले, तब तो बड़ा सस्ता रेट हुआ करता था, सस्ता था, लेकिन टेस्ट वही है, टेस्ट सेम है, टेस्ट तो बड़ा बड़ा फर्क पड़ती है, हरी चीज क्या पड़ता है ना, वो पुरानी कोई चीज मिले ना कोई चिकन मिले ना कुछ हो चीज, वो चीज तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे शहर में लोगों को सामान मिलता है वो बढ़िया सामान है, अच्छा सामान है। पहले से रोटी मिलती थी, जब हम 35-40 साल पहले रोटी मिलती थी, अब कोई अपना 50 पैसे 40 पैसे 50 पैसे 60 पैसे की रोटी यही से मिलती थी, इसे फाजल से लेते थे हम, लेकिन अब थोड़ा सा महंगाई हो गई है। स्वभाव था अंकल जी का, आज्ञा सिंह जी का अच्छा स्वभाव था, बढ़िया बढ़िया बात था, इनके फाजल थे, आज्ञा सिंह इनके फाजल थे, ये मरिंदर जी ये भी बुजुर्ग बन गए हैं, लेकिन इनके फाजल थे, हमारी उम्र भी 70 वर्ष की है। अच्छा, हम 50 साल थे, 45-50 साल थे, यहाँ से सब्जी रोटी लेते हैं, अभी रोटी सब्जी बंदा 55-60 रुपए में खा सकता है। अभी क्या पैक करा है आपने, अभी क्या लिया? ले रहा हूँ दाल, ले रहा हूँ 30 किलो लूंगा दाल, 40 किलो लूंगा पालक पनीर, 30 किलो लूंगी रोटी, 6 रोटी मिल जाएगी, बस दो बंदे खा लेंगे इसको, 105 रुपए हाथ में पकड़ेगा, दो बंदे रोटी खा लेंगे इसको, बढ़िया 105 रुपए में आज की महंगाई में। थैंक यू अंकल जी, 105 रुपए में आज की महंगाई में खाना मिल जाएगा, भरपेट खाना मिल जाएगा, तो और क्या चाहिए। वाकई में इस बात का मुझे आइडिया नहीं था, हालांकि प्राइस लिखे है इसमें, अंकल जी बात कर रहे होंगे शायद। दाल ये देखिए 60 रुपए की, वाह, दाल मखनी 80 की, क्वांटिटी अंकल ये जो क्वांटिटी है मंदिर जी, ये कितनी क्वांटिटी है, ये सिंगल सर्व है, सिंगल 500 ml। अच्छा, ये तो वाकई में बड़ा सस्ता रेट है, मतलब वाकई में 60 रुपए कहाँ मिलती है भाई दाल आजकल, लेकिन बहुत बढ़िया। कमेंट 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 कमेंट, अंकल पनीर मखनी कहाँ है, पनीर मखनी भी मिलेगा मन्नत, अच्छा गोपाल स्वीट से, हाँ बिल्कुल, ये पनीर की आइटम है, पनीर की आइटम देख लीजिए, मटर पनीर है, पालक पनीर है, चना पनीर है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, पनीर जो प्याजा है, पनीर भुर्जी है, पनीर बटर मसाला, चीज चिली, चीज टोमेटो, फ्राई कोफ्ता, मलाई पनीर। चलिए कमेंट दिखाइए,
कुछ पीछे रहता नहीं क्या। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरे दिन पटियाला में है, गोपाल स्वीट्स पर जाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं आप, चाहते हैं अगर कोई आपका फेवरेट शहर हो जहाँ पर खाना पीना हो, हम वहाँ पर जाएं एक्सप्लोर करें उस जगह को, तो वो बिल्कुल हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कृषि रिपोर्ट चैनल का।